USDA की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सोयाबीन की पेराई दिसंबर में 198 मिलियन बुशल के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो कि वार्षिक स्तर पर 3% और मासिक स्तर पर 4% ज्यादा है। सोयाबीन की औसत दैनिक पेराई रिकॉर्ड 6.39 मिलियन बुशल रही है। ब्राजील का सोयाबीन निर्यात एक साल पहले के 49,498 मिलियन टन से बढ़कर जनवरी 2021 में 2.47 मिलियन मैट्रिक टन हो गया है। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक और निर्यातक देश है। जनवरी में ब्राजील से सोयाबीन का निर्यात दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन आयातक देश चीन का हुआ है। देश में एक बार फिर कोयले की कमी का असर देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री ने सरकार को कहा है कि उनके कैप्टिव पावर प्लांट में निर्धारित सीमा से काफी कम समय का कोयला बचा है और आपूर्ति नहीं हुई तो संयंत्र बंद हो जाएंगे, जिससे इंडस्ट्री को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। विदेशी बाजार में तेजी के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन तेल तिलहन तथा सीपीओ एवं पामलिन तेल की कीमतों में सुधार आया है। बाकी तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। चांदी में नीचे दामों पर निवेशकों की पूछताछ आने और औद्योगिक मांग से अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में चांदी 11 सेंट उछलकर 22.72 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इसके चलते घरेलू बाजार में भी चांदी के दाम उछले। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और पूर्वी यूरोप में भू राजनीतिक तनाव बढ़ने की वजह से विदेशी बाजार में सोने चांदी में हल्की मजबूती दर्ज की गई। केंद्र सरकार इथेनॉल बनाने पर फोकस कर रही है ताकि पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कुछ कम हो सके। इस मिशन में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान होगा। साल 2018-19 से 2020-21 तक यानी पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक 13,20,400 किलो लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र यानी हेल्थ सेक्टर के लिए इस बार के बजट में कोई ज्यादा राशि नहीं बढ़ाई है। पिछले साल उन्होंने स्वास्थ्य बजट में 137% की भारी भरकम वृद्धि की थी। इस बार हेल्थ बजट का आकार पिछले साल के संशोधित अनुमान से 86,000 करोड़ रुपए के मुकाबले मामूली 0.23% ज्यादा है। इस बार स्वास्थ्य बजट में ज्यादा बढ़ोतरी न होने का एक कारण पिछले 2 वर्षों में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में तेजी से सुधार आना भी है। खरीफ सीजन के दौरान फसल को हुए नुकसान की तुलना में मौजूदा जलवायु परिवर्तन से बागों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से जलवायु परिवर्तन होने से पाला बढ़ रहा है, जबकि तापमान गिर रहा है, जिससे अंगूर की फसल खराब हो रही है। बढ़ती ठंड के कारण अंगूर के साइज बढ़ना बंद हो चुका है और साथ ही फल की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। जयपुर सहित मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से लाखों पशुओं के लिए सूखे चारे का संकट मंडरा रहा है। कमी के चलते चारे के भाव भी आसमान छू रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार चारे के भाव में 2 गुना वृद्धि होकर 750 रुपये क्विंटल हो गया है।